हम ब्रेक इसे फोर्सफुली लगा रहे हैं फ्रेंड। ओ हो, तो फ्रेंड ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसकी। तो राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल सन सीएनजी कार में। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एबीएस क्या होता है और ये रियल लाइफ में परफॉर्मेंस किस तरीके से देता है, इसकी टेस्टिंग आज हम वैगन आर गाड़ी पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एबीएस क्या है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं एबीएस क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कितना इफेक्टिव होता है और फिर उसके बाद हम इस टेस्ट करेंगे वैगन आर पे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। सबसे पहले समझते हैं एबीएस का फुल फॉर्म। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो फ्रेंड एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो आइए जानते हैं। जब हम अपनी गाड़ी के ब्रेक पैडल को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे जो चारों व्हील्स होते हैं उन्हें लॉक होने नहीं देता। जब हमारी गाड़ी के व्हील्स लॉक नहीं होंगे तो हमारी गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहेगी, कंट्रोलिंग में रहेगी, बैलेंस बना रहेगा और स्लिप नहीं करेगी। तो एबीएस होने से हमें ये सारे फायदे मिलते हैं। अब एबीएस किस तरीके से काम करता है वो भी आप समझ लो। जो हमारी गाड़ी के व्हील्स होते हैं चारों, उनमें लगे होते हैं सेंसर। तो जब अपनी गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, कितना भी हम फोर्सफुली ब्रेक को अप्लाई करें, तो एबीएस तुरंत सेंस कर लेता है कि हमें इस गाड़ी को ब्रेक लगाना है। तो वो हमारी गाड़ी पे ब्रेक को इस तरीके से अप्लाई करता है कि हमारे गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं उन्हें लॉक होने नहीं देता, इसीलिए इसका नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एबीएस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। वैगन आर का एबीएस किस तरीके से वर्क करता है, आइए अब जानने का समय आ गया है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, हम इस पर ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो फोर्सफुली अप्लाई करेंगे, फिर आपको बता देंगे कि किस तरीके से गाड़ी स्टेबल थी या नहीं। एक बार 60 के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं तो ये गाड़ी तो बहुत आराम से रुक गई, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी। अब हम इसे 80 पे ले जाके चेक करते हैं कि क्या गाड़ी ऐसे स्टेबल रहती है या फिर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। तो कितनी दूर पे जाके हमें रोकेगी वो भी आप सब देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा भी, अपना एक ओपिनियन भी दूंगा इस गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम को लेके। तो गाड़ी अब स्पीड पकड़ रही है, उम्मीद तो यही है कि गाड़ी का एबीएस बहुत अच्छे से वर्क करेगा और गाड़ी का स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 80 स्पीड पर हम इसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी अपनी अभी 80 पर गई है। अब हम ब्रेक इसे फोर्सफुली लगा रहे हैं फ्रेंड। ओहो, तो फ्रेंड ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसकी गई थी, जी हाँ, हल्का सा इधर उधर हुई थी गाड़ी। अभी हम एक राउंड इसे और चेक करते हैं और देखते हैं क्या उसमें भी ऐसा कुछ इशू होता है, तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट बताते हैं। तो गाड़ी अभी तक तो ठीक थी, हाँ, लेकिन ब्रेक आपको पैनिक ब्रेक लगाओगे तो भी आपको थोड़ी दूर लेके चले जाएगी। इससे अच्छा सिलेरियो की ब्रेक है फ्रेंड, मैंने उसे भी अप्लाई करके देखा है, तो इसकी ब्रेक अच्छी है पर ये इमीडिएट तो आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम करती है, रुकती है थोड़ा दूर ले जाके। तो आइए अप्लाई करते हैं ब्रेक, अभी 80 पे अपनी गाड़ी पहुंचने वाली है, तो देख लीजिए, जी हाँ, इस बार तो स्टेबल थी और बस वही है कि हाँ थोड़ा दूर ले जाके रुकती है। गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी है, एबीएस अच्छे से वर्क कर रहा है फ्रेंड।